से बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ प्रगति शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं बड़े पर्दे पर जल्द ही रिलीज हो रही फिल्म एंथरिन 3.0 के बारे में। एंथरिन 2.0 या रोबोट 2.0 तमिल का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है और इस मूवी को वर्ल्ड वाइड भी लोगों ने बेहद पसंद किया था। एंथरिन या रोबोट सीरीज के डायरेक्टर है एस शंकर, साथ ही इस फिल्म को सुभाष करण लाइका प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया था। रोबोट मूवी को 2010 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म की लीड कास्ट थी रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन। इस मूवी में रजनीकांत ने डॉक्टर वशीकरण का किरदार निभाया था। इसके बाद एंथरिन 2.0 को और भी ज्यादा लोगों ने पसंद किया और इस फिल्म की लीड कास्ट के लिए रजनीकांत, अक्षय कुमार और एमी जैक्सन को चुना गया था। इस फिल्म ने पहले दिन ही 100 करोड़ रुपए कमा लिए थे। रजनीकांत की 2.0 ने दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई की थी। इस मूवी का ट्रेलर चेन्नई के प्राइवेट थिएटर में रिलीज किया गया था। आपको बता दें कि इस इवेंट में आरजे बालाजी ने शंकर से एक सवाल पूछा कि 2.0 के बाद एंथरिन 3.0 कितनी जल्दी फैंस को देखने को मिलेगी, जिसके बाद शंकर का यह कहना था कि वे जल्द ही कोई अच्छी स्क्रिप्ट देखकर 3.0 को बड़े पर्दे पर जरूर लाएंगे। उनका यह भी कहना था कि वे ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें लोग भारत में सुपर हीरो को जब सोचे तो उन्हें सिर्फ रजनीकांत का ही चेहरा दिखाई दे। साथ ही आपको बता दें एंथरिन 3.0 के लिए कैटरीना कैफ, सलमान खान और सुपरस्टार रजनीकांत जैसे नाम सामने नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को तमिल और हिंदी दोनों भाषा में बनाया गया था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सुपरस्टार रजनीकांत के डायलॉग लोगों को इतने पसंद आते हैं कि उन्हें वे मुंह जबानी याद रहते हैं। जी टीवी तमिल में रजनीकांत ने इस बात का खुलासा भी किया था कि इस फिल्म के निर्देशक एंथरिन 2.0 के लिए कोई भी म्यूजिक नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन 2.0 के म्यूजिक डायरेक्टर थे एआर रहमान और लोगों ने इस फिल्म के गानों को बेहद पसंद किया था। सुनने में तो यह भी आया था कि इस फिल्म को करने के लिए शंकर ने आमिर खान और कमल हसन से भी पूछा था। साथ ही ऋतिक रोशन और नील नितिन मुकेश से भी इस फिल्म को करने के लिए पूछा गया था, लेकिन बाद में अक्षय कुमार यानी खिलाड़ी का नाम ही फाइनल किया गया। आपको बता दें 2015 में एक ऑफिशियल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पे एंथरिन 2.0 की अनाउंसमेंट भी की गई थी। 2015 में आई हुई फ्लड्स की वजह से इस इवेंट में ज्यादा पब्लिसिटी नहीं रखी गई थी। आपको बता दें सुनने में तो यह भी आया था कि अभिषेक बच्चन इस फिल्म के लिए कैमियो रोल करने वाले हैं, लेकिन बाद में टीम ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए दुबई में एक म्यूजिक इवेंट भी रखा गया था जहां पर इस फिल्म के गानों को 27 अक्टूबर 2017 में काफी ग्रैंड तरीके से प्रमोट किया गया था। यह फिल्म पहले 2018 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया और यह फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था। आपको बता दें इस फिल्म को 3.5 स्टार्स मिले थे और रॉटन टोमेटोज ने भी इस फिल्म के बारे में रिव्यू पोस्ट कर इस फिल्म को 3 स्टार्स दिए थे। अब देखना यह है कि रोबोट या एंथरिन 3.0 बड़े पर्दे पर कितनी जल्दी रिलीज होती है और लोगों का इंतजार कितनी जल्दी खत्म होता है। बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड की बाकी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।